यीशु दा जी उठना। मत्ती 28, मरकुस 16, लूका 24, यूहन्ना 20। अचानक एक वड्डा भूचाल आया अते आकाश तो एक स्वर्गदूत उतरिया ते कबर दे पत्थर नूं एक पासे रोड़ के उस उपर बैठ गया। उस दूत दा रूप बिजली वांग चमकदा सी अते उस दे कपड़े बर्फ वांग सफेद सन। कबर दे पहरेदार इन्ने डर गए कि डरते मारे कंबन लगे अते बेहोश हो गए। सबत तो अगले दिन मरियम मगदलीनी, सलोमी अते याकूब दी माता मरियम कुछ अतर खरीद लईआं तां जो जाके यीशु दे शरीर उत्ते मलन। पर जदों उन्होंने आके वेख्या तो उन्होंने वेख्या कि कबर दे प्रवेश तो वड्डा पत्थर हटिया होया सी। जिवें ही वह कबर विच वड़ियां वह एक नौजवान नूं चिट्टे कपड़े पाए हुए कबर दे सज्जे पासे बैठा वेख घबरा गईआं। पर उस जवान ने आख्या, डरो नहीं, तुसी यीशु नासरी नूं लभदियां हो जो सलीब उत्ते चढ़ाया गया सी। वह तो जी उठा है, वह इत्थे नहीं है। वेखो, ये उही तां है जिथे उस नूं रख्या गया सी। हुण जाओ अते उसदे चेलियां नूं खासकर पतरस नूं जाके आखो, यीशु तुहाडे तों पहलां ही गलील विच पुज्जा होवेगा। तुसी उसदे दर्शन करोगे जिवें उसने तुहानूं दस्या सी। ओह कबर उत्तों वापस आईआं अते 11 चेलियां नूं अते होर लोकां नूं इह सारीआं गल्लां दस्सियां। जिन्हां औरतां ने इह गल्लां प्रमुख चेलियां नूं दस्सियां सन उन्हां विच्चों मरियम मगदलीनी, योना अते याकूब दी माँ मरियम भी सी। पर चेलियां नूं औरतां दीआं गल्लां बेअर्थ लगियां, इस लई उन्होंने औरतां दी गल्लां दा विश्वास नहीं किया। तां पतरस अते दूजा चेला कबर वल चल पए। वह दोवें भज रहे सन, पर दूजा चेला पतरस नालों तेज भज के कबर ते पहले पहुँच गया। इसने थले चुक के वेख्या तां उसने कफन दे कपड़े वेखे, पर अंदर ना गया। तद शमोन पतरस भी उसके मगर आ पहुंचा अते ओ कबर दे अंदर वड़ गया। उसने भी उत्थे कफन दे कपड़े पए वेखे। उसने ओ कपड़ा भी वेख्या जिहड़ा यीशु दे सिर ते लपेटिया होया सी, अते ओ कपड़ा तय करके उन्हां कफन दे कपड़ियां तों हट के एक पासे पिया होया सी। फिर दूजा चेला भी अंदर गया। जद उसने यह वेख्या तां नेचा कीता। ओह धर्म ग्रंथ की यह गल नहीं समझे सन कि यीशु दा मुरदिआं विच्चों जी उठना जरूरी है। फिर दोवें चेले घर वापस चले गए।